ऑल राइट, तो क्या हाल है भाई लोग, कैसे हो सब? मेरी जान ठीक ठाक। देखो आज सब बोल रहे होगे कि भाई बूसा से स्कूटी पे एकदम से कैसे आ गया मैं, तो भाई ये कहानी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। जब तक आप कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कर ना, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे वो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे। देखो ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है मेरी साइड में, और भाई वीडियो जो मैंने डाली थी उनका रिस्पांस भी अच्छा ही मिल रहा है। भाई मेरे ठीक ठाक देख रहे हैं, मगर यार थोड़ा शेयर कम कर रहे हो। और मैं अभी कुछ दिन बाद जो है वो शुरू करने वाला हूँ गिव अवे, और गिव अवे सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कैमरे का। जो मेरे पास एक एक्शन कैमरा रखा हुआ है, जो मेरा सबसे पहला एक्शन कैमरा है। तो भाई स्कूटी की कहानी अब सुन लो आप, कि स्कूटी में कैसे आ गया, स्कूटी पर हयाबूसा वाला बंदा स्कूटी कैसे चला रहा भाई। तो आप सब लोग यही सोच रहे होंगे, मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो भाई स्कूटी पे मैं इसलिए आ गया क्योंकि मैं लास्ट संडे जो राइड की थी मैंने, उस राइड के बाद मैं फ़ौरन बाइक अपनी, मतलब टाइग्रेस अपनी, वो मैं छोड़ के आ गया था सर्विस के लिए हैदर भाई के पास, और उसके अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी एसेसरीज भी लगवाई है मैंने। उनसे मैंने बोल दिया था कि भाई छोटी मोटी जो एसेसरीज़ हो जो अच्छी लगे इसके अंदर वो इसमें लगा देना, और अब मैं जा रहा हूँ वो बाइक लेने के लिए, मतलब अपनी टाइग्रेस लेने के लिए। वहाँ से जगजीत पाजी को लूँगा साथ, और उन्हें साथ लेके जाऊँगा स्कूटी, वहाँ से फिर वो लेकर आएंगे मेरे साथ और मैं लेके आऊँगा अपनी टाइग्रेस। तो बिना बकवास करे हुए सीधे पहले चलते हैं हैदर भाई की शॉप पर, मतलब हैदर भाई की शॉप पर चलने से पहले जगजीत भाई से मिलते हैं हम, जगजीत पाजी से मिलेंगे, उन्हें साथ बिठाएंगे अपनी स्कूटी पे, फिर उसके बाद निकलेंगे हम अपनी टाइग्रेस उठाने के लिए। तो चलो मिलते हैं सीधा जगजीत पाजी के पास। जगजीत भाई का फ़ोन आ रहा, भाई आ लिए बन, आ लिए भाई आ लिए। हाँ भाई, नहीं यही तो, ये हाइड्रा खड़ा हुआ है जेसीबी तुम्हारे गली के बाहर, तुम कहाँ हो? अबे गली से बाहर रोड क्रॉस करके आओ ना। अब उधर कहाँ पहुँच गया, पीछे हूँ गली पे तुम्हारे। चलो आ गए यार, लाल बत्ती पे हो ना, ठीक है आ गया। ओहो बाइक लेके आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे यार ये बाइक लेके आ गया, फिर मैं कैसे लेके जाऊँगा यार, मैं तो पंगा हो गया यार, ये तो बाइक लेके आ गया यार। भाई कोरोना ने ऐसी ऐसी रेड मारी है लोगों की, ऐसा परेशान किया है लोगों को कि अब लोग जो है वो कोरोना से कम और बेरोज़गारी और भूख और इस सबसे ज़्यादा डरने लगे हैं यार। इस वजह से जो है लोग घर में अब कम बैठ रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। तो इसी बात पे सब बोलो कोरोना गो, गो कोरोना। भाई होप करता हूँ कि सारे लोग घर में यार ठीक ठाक होंगे और सबके साथ सही हो यार, किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोरोना से सब बच के रहो, क्योंकि ये सेकेंड वेव जो आई थी ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में ये हो रहा था कि भाई जितने भी यंग पीपल हैं, जितने भी जवान लोग हैं, उन्हें कम हो रहा था, बहुत कम हो रहा था फर्स्ट वेव में। मगर ये सेकंड वेव जो आई है, सेकंड वेव में जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, इसमें जवान भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, जिसमें मेरे भी काफ़ी जानकार थे, मेरे घर के पास ही रहते थे, कई लोगों ने मेरे साथ एक्सरसाइज भी की हुई थी, तो उनकी भी डेथ हुई। तो वो सुन के ज़रा मुझे भी बड़ा शॉक्ड हुआ कि ये क्या हो गया एकदम से। तो आप लोग प्लीज़ बी सेफ़ और प्रिकॉशन लेते रहो, और ज़्यादा किसी से इधर उधर मिलो मत, मिलो भी तो हाथ वाथ थोड़ा कम ऐसे मिलाओ। जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती, और वैक्सीनेट सब हो जाओ एक एक करके, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक कोरोना का ख़तरा बना रहेगा। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि थर्ड वेव आएगी। तो भाई ये आ गया, देखो हैदर भाई की शॉप आने वाली है जस्ट। हाँ बस आ गई बस रुक जा बेटा। वाह
गोल्ड अलॉय। वालेकुम सलाम मेरे भाई, क्या हाल चाल? बड़े दिन बाद दिखाई दिया। ओहो, कोरोना की मौज गांव में है भाई। सलाम अलैकुम, बढ़िया। शिविन भाई, क्या हाल चाल? मस्त एकदम यार, मस्त भाई। हेलो, ये तो यार देख रहे हो, मस्त लग रहा है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी वल्लह वल्लह। ओ भाई साहब, चमक गई यार। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई हेलोए में भी। ना ना सही है यार, वाह बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ बढ़िया, टैंक ग्रिप, हाँ बढ़िया। अच्छा अच्छा, थाई पैड, ये थाई पैड है, ये बढ़िया करा यार, ठीक है। वो ख़राब हो रहा था ना, अच्छा लग रहा है अब। थोड़ा सा उसको थोड़ा सा दूर करेंगे। क्या एलईडी डाल दी दोनों में, चार में ही। अच्छा एलईडी भी डल गई, दोनों पास में वाइट डाल दी। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं यार, ये भी अच्छा लग रहा है। वाह भाई, वाइट हो गई लाइट तो यार, मजा आ गया। हाँ हाँ है, ठीक है ठीक है, वो तो लाइट से चमकेगा ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। हाँ तो भाई साहब, हमने अपनी टाइग्रेस जो है वो ले ली है और चमक गई है बहुत ज़्यादा यार। देखो एलॉय भी भाई ने पेंट करवा दिए हैं इसके, और साइड पैनल भी पेंट करा दिए हैं, और छोटी छोटी एसेसरीज जो लगाई है वो तो मैंने आपको दिखाई दी है, बाकी की मैं अभी कहीं रोक के दिखा दूंगा। देखो यार क्या चमक रही है, वाह माशाल्लाह, मज़ा आ गया देख के, मज़ा आ गया। और यार अपनी बाइक चलते हुए देखना रोड पे तो कुछ अलग ही मज़ा है। वाह, ये दूर से वाह, अब लाजवाब लग रही है भाई, मज़ा आ गया सच में। और इसमें हाँ एलईडी हेडलैम्प भी लगवा दिए हैं नाइट आई के, वाइट कलर की। पहले पीली लाइट थी इसके अंदर, अब लग गई है वाइट लाइट, हाई बीम और लो बीम दोनों। अभी कहीं रुक के खड़े हो के आपको इसका पूरा बताऊंगा, खर्चा तो मोटा ही आ गया वैसे छोटे छोटे सामान में ही। वाह, क्योंकि यार छोटे छोटे सामान में ही, सुपर बाइक का सामान जो होता है छोटा छोटा ही, उन्हीं में यार अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। अब इसमें मेरा बिल बन गया 20,000 रुपये का, मतलब 19,840 रुपये का बिल बना टोटल। उसमें मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी दिया है भाई ने 19,840 में। तो ये छोटा छोटा सामान जो है, और जिसमें से भाई ने अपनी लेबर मेरे से नहीं ली है, वरना ये 20,000 से ऊपर बैठता पूरा खर्चा। तो भाई किसी को भी अगर सुपर बाइक की सर्विस करवानी हो तो भाई सर्विस आगे यहाँ पे बेझिझक आके करवा लें आप, क्योंकि ऐसी और इतनी सस्ती सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरी दिल्ली के अंदर। मैं एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हैदर भाई का, और दुकान की लोकेशन भी डाल दूंगा भाई की। मेरी बाइक का जो ये बिल बना है, ये बिल इसलिए इतना ज़्यादा बन गया क्योंकि मैंने इसमें सामान बहुत सारे लगवाया है, काफ़ी सारा सामान लगवाया है। और ये फ्रेम स्लाइडर इसमें पहले दूसरे लगे हुए थे, छोटे बड़े फ्रेम स्लाइडर लगवाए हैं मैंने इसमें, इनके पैसे ऐड नहीं हुए हैं, करीब 15,000 रुपये के ये हैं। यहाँ से ज़्यादा रीजनेबल सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप इस चीज़ को मैं लिख के देता हूँ। आपको सर्विस करवानी है तो सीधा आप आ जाएं हैदर भाई की शॉप पे। वाह, वैसे मैं अभी तक मैंने कहीं पे भी कितनी भी जितनी भी बाइक की सर्विस करवाई है, कुछ भी करवाया, मैं इतना सेटिस्फाइड कभी कहीं किसी के पास जाके नहीं हुआ जितना यहाँ जाके हुआ हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है भाई हमारे बहुत सारा डिस्काउंट हमें देते हैं, छोटे मोटे काम के पैसे भी नहीं लेते हैं। जैसे आप चैन ल्यूब करवाओगे या वॉश वॉश या कुछ भी छोटा मोटा काम ऐसा करवाओगे, चैन टाइट कुछ भी सही, कंपनी में चैन टाइट करने के भी 360 रुपये ले लेते हैं कावासाकी के अंदर, क्योंकि मैं Z800 मेरे पास जब थी तो मैं लेकर गया था। तो ये छोटे मोटे काम तो भाई ऐसे ही करते थे, यही चीज़ मुझे इनकी बड़ी पसंद आती है। और जितना भी इनका बिल बैठता है उसमें डिस्काउंट ज़रूर देते हैं ये हर बार। तो भाई इतना बोल दिया मैंने थोड़ा, अब आप भी देखो यार, देखो एलॉय एलॉय पेंट हो गए, मज़ेदार गाड़ी लग रही है। अब इसे चलाएंगे, चलाने के बाद मैं बताऊंगा कि कैसी लग रही है ये, और इसमें चेंजिंग क्या आई है, क्योंकि इसकी सर्विस पूरी हुई है अच्छी तरीके से, थ्रॉटल बॉडी वगैरह काफ़ी भी साफ़ भी हो गई है।
तो इसका पिकअप वगैरह आप देखेंगे चलने के बाद। अभी पहले पेट्रोल डलवाते हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद इस पर भूसा पे मिलूंगा मैं आपको। तो भाई लोग, आपको मैं बाइक दिखाने वाला था, मैं आपको बाइक दिखा नहीं पाया कल, क्योंकि कल शाम हो गई थी। और बाइक अभी मतलब हमारी टाइग्रेस देखो इस तरीके की लग रही है, ये देखो, हाय हाय वाह माशाल्लाह, मज़ा आ गया। ये देखो इसमें इतना सारा काम हुआ है, और ये छोटी मोटी जो चीज़ें लगी हैं, देखो ये ऑयल का कैप जो लगा है, ये हायाबुसा का इस पर साइन है, और ये थोड़ा सा स्क्रैच आ रहा था इस पर पेंट किया हुआ है, और दूसरी चीज़ थाई ग्रिप लगवाई है, टैंक पैड लगवाया है मैंने, और ये टैंक प्लेट जो आती है ये वाली, ये लगवाई है, और इन सब का एस्टीमेट। और हाँ, ये फ्रेम स्लाइडर लगवाए हैं, एक ये इंजन का इंजन गार्ड लगवाया है, क्लच गार्ड, और ये भी पेंट करवाया है दोनों साइड का। तो इनका एस्टीमेटेड तो मैंने बता ही दिया था, करीब टोटल 20,000 मेरा बिल बैठा कल। तो एक एक चीज़ जो है वो कितने की है कितने की नहीं है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा एक्सप्लेन करके। अब अभी मैं फ़िलहाल किसी काम से अभी मैं निकल रहा हूँ, एक फ्रेंड है मेरा, उसने स्ट्रीट 750 ख़रीदी थी, तो भाई वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ, सर्विस के लिए खड़ी हुई, उसका कॉल भी आया था मेरे पास, मैंने सोचा उससे मिल भी लूँगा और बाइक भी देख लूँगा, क्योंकि कल राइड है हमारी। तो यही था हमारा आज का टाइग्रेस का जो खर्चा और जो भी चीज़ थी दिखा दी। बाकी एक एक करके मैं आपका इनका आपको सारा खर्चा कितने का क्या चीज़ लगा हुआ है इसके अंदर सारी चीज़ आपको बताऊंगा, मगर थोड़ा सा वेट करने के बाद।